नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Blocks to Make Think में। आपने अक्सर लोगों को केले के पत्तों पर भोजन करते हुए देखा होगा, विशेष तौर पर साउथ इंडिया वाले राज्यों में। परंतु क्या कभी आपके मन में ख्याल आया कि आखिर केले के पत्ते पर ही क्यों? खैर, आप सोचिएगा जरूर, पर उससे पहले आज मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताती हूँ। इन दिनों थाईलैंड के सुपरमार्केट में एक नई चीज देखने मिल रही है, वो है बनाना लीफ में खाद्य पदार्थों की पैकिंग। पहले तो जान के आश्चर्य हुआ कि हम लोग अपनी पारंपरिक वस्तुओं का उपयोग करने में पीछे हैं, परंतु विदेशी अब इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसे वह अपने पर्यावरण को बचाने के साथ साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भी मान रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेरी नज़र एक आर्टिकल पर पड़ी। आर्टिकल का शीर्षक था, प्रकृति को बचाने के लिए जन सामान्य के प्रयास। पर यह आर्टिकल विदेशी लोगों द्वारा किए गए प्रयासों पर आधारित था। फिर मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसे ही प्रयास करें जो हमारे लिए भी उपयोगी हो, साथ साथ ही प्रकृति को भी इससे कोई नुकसान न पहुंचे। भोज्य पदार्थों को बाहर ले जाने के लिए उसे पैक करना आवश्यक होता है, और जैसे ही पैकेजिंग का नाम हमारे मन मस्तिष्क में आता है तो सबसे पहले हमें डिस्पोजेबल चीजें दिखाई देती है। डिस्पोजेबल चीजों का अर्थ ही उसे उपयोग करके फेंक देना होता है। आप ही सोचिए, जिस वस्तु को हम उपयोग करके फेंक रहे हैं, क्या वो पर्यावरण के लिए भी उपयोगी होना चाहिए या नहीं? फिर मेरी नज़र बनाना लीफ पे पड़ी। बनाना लीफ आकार में बड़ी होने के साथ साथ ही सुविधाजनक भी होती है, और पैकेजिंग के लिए इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसलिए मैं आपके सामने आज बनाना लीफ के बेनिफिट्स लेकर आई हूँ। बनाना लीफ के बेनिफिट्स की यदि बात करें तो ये एक अच्छा और एक सस्ता विकल्प हो सकता है। जैसे कि पैकिंग का नाम आते ही मन में प्लास्टिक के डिस्पोजल और पॉलिथीन याद आ जाते हैं। फिर चाहे ये कितने भी खतरनाक क्यों न हो, प्लास्टिक के डिस्पोजल व डब्बे पॉलिथीन इंसान व पशु दोनों के लिए हानिकारक है, पर इसके साथ साथ यह पृथ्वी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पौधों को तो एक बार लगाने के बाद केवल उसका ध्यान रखना पड़ता है, और डिस्पोजल को वापस से डीकम्पोज करना और साथ साथ ही उसका मेंटेनेंस करना काफी मुश्किल होता है। पौधों के हर भाग से हमें कुछ न कुछ मिलता ही है। यदि हम बनाना लीफ के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो इसी का उदाहरण लेते हैं। बनाना के लिए बनाना का फ्रूट हमारे लिए उपयोगी है। हम इसका उपयोग फल के रूप में करते हैं तथा इसकी पत्तियों का उपयोग खाना परोसने एवं पैकेजिंग के रूप में किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि चर्चा की जाए तो केले के पत्ते में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जैसे पॉलीफेनल्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट कई पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। यदि हम केले के पत्ते पर खाना परोसते हैं या उसमें पैक करते हैं तो भोजन इन एंटीऑक्सीडेंट को अवशोषित कर लेता है, जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। इसके विपरीत डिस्पोजल में यह गुण विद्यमान नहीं होते। केलों के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यदि खाने में कोई बैक्टीरिया मौजूद हो तो वो उसे समाप्त कर देते हैं। यदि हम बाहर से भोज्य पदार्थ लें तो उसमें यदि कोई बैक्टीरिया मौजूद हो तो केले के पत्तों के गुण के कारण वो बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे, जिससे भोज्य पदार्थ पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा और संक्रमण की आशंका भी कम होगी। बनाना लीफ यानी कि केले की पत्तियों में एक मोम की परत पाई जाती है, जो कि ऊपरी भाग में होती है। यह परत बहुत ही महीन होती है, लेकिन जब इस पर भोजन परोसा जाता है तो यह मोम पिघलकर खाने में मिल जाता है और खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है। बनाना लीफ इको फ्रेंडली होती है। पर्यावरण के महत्व को तो आप जानते ही हैं। इसकी सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। ऐसे में केले की पत्तियों का उपयोग पर्यावरण के हिसाब से एक सार्थक पहल है, और डिस्पोजल की तुलना में इसे डीकम्पोज करना आसान है। साथ साथ ही इसके डीकम्पोजिशन से मिट्टी को भी फायदा होता है। हाइजीन की यदि बात करें तो केले की पत्तियों को अधिक साफ करने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही हाइजीनिक होती है। इन्हें सिर्फ थोड़े से पानी से धोकर उपयोग किया जा सकता है। केमिकल फ्री यानी कि रसायन मुक्त होती है केले की पत्तियाँ।
यह केले की पत्तियों के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक में यदि गर्म भोज्य पदार्थ डाला जाता है तो उसका कुछ न कुछ अंश हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जो कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन सकता है। इसके विपरीत केले में ऐसे कोई भी नुकसानदायक केमिकल्स उपस्थित नहीं होते जो शरीर को नुकसान पहुंचा सके। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि केले की पत्तियों में पैक किया हुआ भोजन प्लास्टिक में पैक किए हुए भोजन से अधिक सुरक्षित होता है। ये तो आप अभी तक जान ही चुके होंगे। प्लास्टिक भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ एक ग्रेड के प्लास्टिक होते हैं जो कि फूड ग्रेड क्वालिटी के माने जाते हैं, जिसका उपयोग हम रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं, परंतु सामान्यतः यह महंगे होते हैं और इसे कम लोग ही खरीदते हैं और सस्ते वाले प्लास्टिक को प्राथमिकता देते हैं। पैकेजिंग के लिए सस्ते वाले प्लास्टिक जो कि नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक होते हैं, होटलों में इन्हीं का उपयोग किया जाता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। केले की पत्तियों का चलन अभी पैकेजिंग के मामले में भारत में कम है, पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के चलते हमें इस पैकेजिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ये पत्तियाँ आकार में तो बड़ी होती ही हैं, साथ साथ ही इसे आसानी से सही आकार देके उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।